केंद्रीय टीम ने जिला बिलासपुर के बरसात में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। बरसात के दौरान जिला में हुई भारी बरसात के कारण नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल द्वारा जिला में प्रभावित स्थलों का दौरा किया गया। उसके उपरांत केंद्रीय टीम ने लीडर विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव विपनेश शर्मा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कम रीजनल ऑफिस तथा ओपी गुप्ता निदेशक ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लेक व्यू में आवश्यक बैठक की। इस अवसर पर टीम दल द्वारा विभाग वाइज विभिन्न अधिकारियों के साथ बरसात के मौसम में हुए नुकसान की विस्तार पूर्वक चर्चा की। विशेष सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन शिमला डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा इसी प्रकार राज्य में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण हुए नुकसान का जो आकलन प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सौंपा था, केंद्रीय टीम द्वारा उसकी जांच व निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच व निरीक्षण करने के उपरांत कमेटी अपनी सिफारिश भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध होगा। इस मौके पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में हुई भारी बरसात के कारण लगभग 81 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में लोक निर्माण विभाग को लगभग 63 करोड़ 15 लाख रुपए, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 11 करोड़ 21 लाख रुपए, कृषि विभाग को लगभग 82 लाख, बागवानी विभाग 76 लाख रुपए तथा शिक्षा विभाग को 20 लाख रुपए और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 1 करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1 करोड़ 87 लाख रुपए की निजी संपत्ति तथा लगभग 35 लाख रुपए के पशु धन के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान हुए नुकसान के बचाव कार्य में लगने वाले उपकरणों को खरीदने के लिए 7,38,000 रुपए राशि होमगार्ड को बचाव अभियान के लिए उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्तर पर 4 ग्रुप में 8-8 होमगार्ड जवानों को नियुक्त किया गया था, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन द्वारा 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम के दौरान डेंगू रोग के 1542 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे तथा सप्ताह के प्रत्येक वीरवार को ड्राई डे के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर एडीएम विनय कुमार, एसडीएम प्रियंका वर्मा, अनिल चौहान के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बरसात के मौसम में जो प्रदेश में नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए भारत सरकार से एक टीम आई है। ये दो दल हैं, एक इस क्षेत्र का दौरा कर रहा है जिसमें बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिला को कवर करेंगे, और दूसरी टीम जो है वो दूसरी तरफ गई है जहां पे कांगड़ा और चंबा और हमीरपुर जिले का दौरा करेगी। और प्रदेश ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया है नुकसान का, उसकी जांच करेगी, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को देगी। आपदा को रोकने के लिए लगातार काम हो रहा है, जिसमें जिला स्तर पर जो है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्य में भी उसी तरह से राज्य स्तरीय एक प्राधिकरण है। जिला स्तर पर माननीय उपायुक्त महोदय और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है जो लगातार लोगों की ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करती रहती है। सो इस तरह के कार्य राज्य स्तर पे और पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और आने वाले समय में इस पे और काम होगा। सर, जो रिपोर्ट होगी वो भारत सरकार को भेजी जाएगी? सर, हमारा मेमोरेंडम भारत सरकार को गया है और उस पे जो रिपोर्ट है वो टीम भारत सरकार को देगी। रिपोर्ट की टीम जो रिपोर्ट की कॉपी हमें नहीं मिलती, बट उसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को कुछ पैसे मिलेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड।